नांदेड रेल्वे स्टेशन मध्ये 5 जणांना तिकिटाच्या पैशाचा अपहार केल्याने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड रेल्वे स्टेशन मध्ये तिकिटांचा 5 जणांनी 77,26,343 रुपयांचा अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. या 5 जणांना नांदेड लोहमार्ग पोलिसांनी अटक केली असून त्यांना येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले असता 22 ऑक्टोबर पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. आज नांदेड GRP के रेल्वे डिपार्टमेंट के पोलीस वालों ने 5 आरोपियों को 420-409 भादवी के अंतर्गत रेलवे कोर्ट के सामने आज हाजिर किया था. उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने 77 लाख का कुछ अफरा तफर गमन किया है और वो गमन उन्होंने जो पैसेंजर आते थे बुकिंग करने को उनके पैसों का गमन किया है. तो उस तहत कोर्ट ने इस FIR के इस पुलिस वालों के डिमांड के ऊपर उनको 22 तारीख तक का PCR मंजूर किया है. तो हम लोगों का हम करुणाकरण जो एक नंबर के एक्यूज है उनके तरफ से हम लोग मांग किए कोर्ट माननीय न्यायालय को कि हम जो है तो हम डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र इस पद पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइज़र इस पद पे हम कार्यरत है और मेरे अंडर में जो है हमारे अंडर में जो है तो तकरीबन 5 से 6 स्टेशन के जवाबदारी हमारे ऊपर है. तो हमारे पास में हमारे पास में कोई भी आर्थिक व्यवहार होता नहीं है. जो भी पैसा जमा किया जाता है रेलवे डिपार्टमेंट में पैसेंजर के टिकट का हो या कोई भी चीज़ का वो डायरेक्टली ट्रेजरी में जमा हो जाता है. तो हमारे पास में आर्थिक व्यवहार कुछ भी होता नहीं है. इस तहत में हमने कोर्ट को डिमांड भी किए थे कि आरोपी को MCR करो क्योंकि उसमें जो तपास पुलिस वालों को करना है वो तपास जो है वो पूरा कंप्यूटराइज है. उसके वास्ते आरोपी की फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं है. ये टोटल अमाउंट जो है 77 लाख का बताया गया है. रिकवरी अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया गया है आरोपी की तरफ से. इसमें 5 आरोपी है. तारीख 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक उसने वो पैसा जमा नहीं किया. ऐसे ही बात मिस्टर जो जिन्होंने फिरियाद दी है उनको पता चला है कि तारीख 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ. तो जब पूरी तहकीकात के बाद उनको पता चला कि 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक 77,77,26,343 रुपीज़ का इन देट इज़ अ मिस अप्रिप्रोशन वो है. मतलब अपरा तपर की है इतनी रुपए की. इतने तब उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन रेलवे पुलिस स्टेशन नांदेड़ में आके फिरियाद दी हुई है. उसके मुताबिक हमने 5 उनके कर्मचारी को कब्जे में लेके आज उनको माननीय महेश्वर साहब ने 4 दिन का PCR दिया हुआ है. पुलिस कस्टडी हुई है. हकीकत तहकीकात जरूर होगी और हमें भी विश्वास है कि जो भी पैसा उन्होंने अपना किया हुआ है मिस अप्रोप्रिएशन किया है वो 100% हम रिकवर करेंगे. ये आप शुरुआत में जो फिरियादी दी थी जिसने उनको पता चला कि ये 1.5 करोड़ का है. 1,29,29 लाख वो बता रहे थे लेकिन वो जो हिसाब था वो बैक डेटेड था बिफोर 7 अक्टूबर. तो जब उन्होंने कल पता किया बैंक में जाके पूरा रिकॉर्ड निकाला बैंक चालान से जब पता किया पूरा बैंक रिकॉर्ड से पता चला तो टोटल अमाउंट उनको ये मिली है 77 लाख एंड प्लस. तिकीट विभागातील या कर्मचाऱ्यांनी 7 ते 15 ऑक्टोबर 2018 या 8 दिवसात तिकीट विक्रीतून जमा झालेले 77,26,343 रक्कम नियमितपणे बँकेत जमा करण्याऐवजी सुपरवायझर करुणाकरा जी व्ही राव गोगाटे मोहम्मद इम्रान मोहम्मद हरुण मोहम्मद अब्दुल फरीस सुनील कुमार नारायण अखंडाळा आणि सत्यजितदास दीना बांधवास ही सर्व राहणारे नांदेडचे असून यांनी परस्पर पैशाची विल्हेवाट लावली. करुणाकर यांच्याकडे तिकीट विक्रीतून किती रक्कम आली याची नोंद रजिस्टरमध्ये घेऊन ती बँकेत भरणा करण्याची जबाबदारी आहे. तरी देखील त्याने 8 दिवस रक्कम बँकेत जमा केली नव्हती. हा प्रकार बुकिंग लिपिक मोहम्मद इम्रान यास माहिती होता. त्याने ही माहिती वरिष्ठापासून दडवून ठेवली. या दोघांकडे तिकीट विक्रीतून आलेली रक्कम तिकीट विभागातील ठेवण्यात येते. त्या तिजोरीची चावी त्या दोघांकडे होती. सत्यजित बांधवास वरिष्ठ पर्यवेक्षक असून त्याच्याकडे जमा झालेल्या रकमेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्याने या संदर्भात चौकशी केली नाही. सुनील कुमार आणि मोहम्मद अब्दुल हे करुणाकरचे मित्र असल्यामुळे त्यांनी गेल्या 8 दिवसांमध्ये जास्तीचे संभाषण झाल्यामुळे त्यांनी पोलिसांना अटक करून कोर्टास हजर केले असता त्यांना 22 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.